यस डॉक्टर। जी किस लिए? या ओके डॉक्टर। एना क्या हुआ? कुछ नहीं। एना क्या हुआ? आई एम प्रेग्नेंट। घबराओ मत सिद्धार्थ, ये बात मरते दम तक सिर्फ हमारे बीच रहेगी। तुम्हें कैसे कह सकती हो कि ये क्या? तुम्हें कैसे कह सकती हो कि ये मेरा बच्चा है? क्योंकि मेरा मेरे पति के साथ सालों से कोई रिश्ता नहीं रहा। क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल आ सकते हो? Yeah, I checked with him, but Hello, doctor. Hi, I'll call you back. Doctor Khanna, ये सिद्धार्थ। Hi, hi. आपके friend हैं? Yeah. Please have a seat. I'm sorry, doctor. आपको छुट्टी के दिन मेरे लिए इस वक्त ऐसे आना पड़ा। Come on, Anna, don't be silly. कोई problem नहीं है। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन मैंने आज तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए यहां नहीं बुलाया है। एना, तुम्हारा कैंसर वापस आ गया है। घबराओ मत एना, तुम्हारा इलाज हो सकता है। मुंबई में एक हॉस्पिटल है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें वहां एडमिट कर लिया जाए। उनके इलाज से तुम ठीक हो सकती हो। लगभग 40% लोग जो वहां जाते हैं बच जाते हैं ना। कितना वक्त है मेरे पास डॉक्टर? एना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम ठीक। कितना वक्त है मेरे पास डॉक्टर? 3 महीने। एना, एना, सुनो, एना। Excuse me. आप एना के दोस्त हैं, शायद ये बात आप उसे बेहतर समझा सकें। ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकती है। मेरा मतलब है, एक मिनट। जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं वहां कई तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे ऑटोलोगस कैंसर वैक्सीन, हेमाटोलॉजी प्रोसीजर्स लाइक फेरोसिस एंड हाइपोथर्मिया। ये लीजिए, ये सभी ट्रीटमेंट्स काफी महंगे हैं। कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। थैंक यू। डॉक्टर मुंबई के हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था, कह रहा था कि तुम्हारा एडमिशन वहां हो सकता है। सिद्धार्थ, अब आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम में घसीटना नहीं चाहती। गुड बाय सिद्धार्थ। एना, 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 मेरी बात सुनो। एना, एना, लिसन टू मी। एना, मेरी बात सुनो। एना, एना, तुम मुझे समझती क्या हुआ? सिर्फ तुम्हारे साथ बिस्तर में सोने वाला वो आदमी जो तुम्हें ठोकर मार दे क्योंकि तुम मर रही हो? फिर क्या करोगे तुम सिद्धार्थ? मुझे मौत से बचा लोगे? नई जिंदगी दोगे तुम मुझे? मेरा इलाज तुम्हारे बस की बात नहीं है सिद्धार्थ, और ना ही तुम मेरी मां बनने की मुराद को पूरा कर सकते हो। शॉन आ गया सिद्धार्थ, यू हैव टू गो। आने दो उसे, मैं से बात करना चाहता। क्या बात करोगे तुम उससे? तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एना, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, यू हैव टू गो, प्लीज गो। ओपन द डोर एना, कहो तुम। एना,
इतना वक्त कैसे लगा दरवाजा खोलने में? वो शॉन, मैं उस कमरे में थी। किसी मर्द की आवाज सुनाई दी मुझे यहां से। कौन था वो? कौन था वो? ना शॉन, टीवी की आवाज सुनी होगी तुमने। शट अप। टीवी की आवाज थी। शट अप। डॉक्टर के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैसा था? मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो फिर हॉस्पिटल से कुणाल ने मुझे क्यों फोन किया और कहा उसने तुम्हें वहां देखा है? हाँ, टेल मी। और कोई मर्द भी था तुम्हारे साथ? कौन था वो? है ना, कौन दोस्त था वो मेरा। अच्छा, तो अब तुम कह रही हो कि तुम हॉस्पिटल गई थी? शॉन प्लीज, झूठ बोलती हो मुझसे। झूठ बोलती हो मुझसे, है ना? झूठ नहीं बोलो मुझसे। डोंट यू एवर लाई टू मी। झूठ बोलती हो मुझसे। क्या करे यार, किस लिए आप लाओ टू मी? बोला है ना, डोंट एवर लाई टू मी। दरवाजा खोलो प्लीज। दफा हो जाओ, घर पे कोई नहीं है। दरवाजा खोलो प्लीज। हेलो शॉन, क्या क्या? यहां से गुजर रहा था, कुछ आवाजें सुनी। तुम्हारी बीवी ठीक तो है ना? ऑफिसर, ये मेरा घर है, अंदर जो कुछ भी होता है वो हमारा आपसी मामला है। यू कैन लीव। बीवी पे हाथ उठाना कानूनी मामला है, तुम्हारा आपसी मामला नहीं। ऐना को बाहर बुला। ऐना तुमसे नहीं मिलना चाहती। ऐना को बाहर बुला, नहीं तो अंदर करके ऐसा मारूंगा ना। क्या बात है ऑफिसर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। चलो शॉन, अंदर चलो। प्रेग्नेंट। मेरा इलाज तुम्हारे बस की बात नहीं है सिद्धार्थ, और ना ही तुम मेरी मां बनने की मुराद को पूरा कर सकते हो। झूठ नहीं बोला मुझसे। डोंट यू एवर लाई टू मी। झूठ बोलती है मुझसे। शॉन मुझे मत मारो प्लीज। कुछ काम था तुमसे। तुम यहां बाहर क्यों बैठी हो? आओ। बैठो। इतनी खुश मत होना, अक्सर घर ऐसा नहीं रहता। क्या है ना, तुम्हारे चले जाने के बाद शारदा ने नौकरी छोड़ दी, और तुम तो जानती हो मैं कितना बिजी रहता हूं। दूसरी नौकरानी भेज दू? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ओह, वो किचन में कुछ सफाई करते वक्त कुछ लग गया। ठहरो, मैं बैंडेज लेके आता हूं। हाँ, मुझे पता है। क्या कर रही हो तुम? पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। छोड़ो, मैं कर लूंगा। हाथ दो। यहां आना कैसे हुआ? वो
तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना है, बस इसलिए दिखाना है कि मैं अलग रहती हूँ। वैसे तो हम सफाई देने की जरूरत नहीं है। पेन पेन नहीं है मेरे पास। डिवोर्स पेपर्स लेके आ सकती हो तो पेन भी लेके आ सकती हो तुम। एटलीस्ट पिक अप द फोन। हेलो सिद्धार्थ, कितनी देर से फोन कर रही हो, तुम बिजी थे क्या? हमें प्लीज होल्ड ऑन। कौन है? हेलो सिद्धार्थ, मैं आना बोल रही हूँ। क्या मैंने गलती पे फोन किया? नहीं, वो सोनिया, सोनिया नहीं, सब ठीक है। कहो क्या हुआ? सिद्धार्थ, लगता है ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। कैसे?